इमरजेंसी रास्ते हुआ करते थे। अच्छा। कभी भी अटैक होता था रॉयल फैमिली यहाँ से निकल के आगे सुरंग आएगी, सुरंग से सीधा जयगढ़ फोर्ट निकल जाते हैं। ना आप ये सामने वाली कढ़ाई, ये राजा के टाइम की नहीं है। अच्छा। यहाँ पे जोधाकर मूवी की शूटिंग हुई थी, तो शूटिंग में राइटर लोग इसको कढ़ाई को यहीं छोड़ गए। अच्छा। और ये जो एरिया ना उस ये तो यहाँ के वो है बंजारे हैं। ये जो एरिया देख रहे हो यहाँ का, उस जमाने का सर्वेंट क्वार्टर हुआ करते थे, सर्वेंट क्वार्टर्स राजा के टाइम के। और वो राइट हाथ पे जो गेट खुला हुआ है ना, वो जो भाई साहब बैठे हैं चबूतरे पे, वो सुरंग का रास्ता है। कभी भी इस पहले से इमरजेंसी हो जाती थी तो रॉयल फैमिली वाले सुरंग से वे टू फ्रॉम टू जयगढ़। अच्छा। ये बैठने की जगह ये क्या है, ये बॉक्स की हुई सब जगह? ये छत है, नीचे वाली ये? हाँ, ये तो ऐसे डिजाइन बनी हुई है, कोई खास नहीं है। ये ओल्ड टाइम का विलेज, पुराना जयपुर, ओल्ड जयपुर जो घर दिख रहे ना यहाँ पे, उस टाइम पे राजा की प्रजा रहती थी, आज भी गाँव की लोग रह रहे हैं यहाँ पे। यानी ओल्ड जयपुर है ये सारा, जगत शिरोमणि का मंदिर। हाँ, वो इधर आप नीचे जाओगे डाउन साइड में उतर के जाओगे ना, इस साइड से नीचे बावड़ी की तरफ मीरा भाई जी का मंदिर है वो। मीरा भाई। आइए अब यहाँ से ना रानिया दीवानिया का प्रोग्राम देखा करते थे। अच्छा, यहाँ से कोई भी जैसे ना? हाँ, कुछ जितने फेस्टिवल होते थे वो सब रानिया यहाँ से देखा करते थे। अच्छा। क्योंकि उनको नीचे आना अलाउ नहीं करते थे। और ये जो एरिया ना, ये पूरे ये दो गेट बने हुए हैं, इस पूरे एरिया को बोलते हैं सुहाग मंदिर। ये सुहाग मंदिर साइड में भी लिखा हुआ है, दीवार पे देखो लिखा हुआ है। हाँ, जब राजा महाराजा युद्ध के लिए बाहर जाते थे तो रानिया बैठ के अपने सुहाग के लिए प्रार्थना किया करते थे, और यहाँ से रानिया फूल बरसा के इस विंडो से राजा का वेलकम किया करते थे। इमरजेंसी रास्ते हुआ करते थे। अच्छा। कभी भी अटैक होता था रॉयल फैमिली यहाँ से निकल के आगे सुरंग आएगी, सुरंग से सीधा जयगढ़ फोर्ट निकल जाते थे। अच्छा। यानी राजा थे पर अपनी सिक्योरिटी पूरी रखते थे। नो भी सुरंग का रास्ता है। अच्छा, ये रास्ता? हाँ, ये सुरंग भी सीधा उसी सुरंग जाके मैच होगा, वो खुली रहती है, ये बंद रहती है। अच्छा। उधर जयगढ़ में। अच्छा।